अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। अपने परिवार के बाहर भी हमारे कुछ नज़दीकी संबंध बनते हैं, जिनमें कई बार परिवार से अधिक घनिष्ठता होती है। संबंधों में धन की भी भूमिका होती है, लेकिन अजीब है कि जब धन के खर्च या शेयरिंग की बात हो तो लोग ऐसे संबंध के बारे में न सोचकर केवल परिवार को ही ध्यान में रखते हैं। फिर इस घनिष्ठता का क्या मतलब है? संबंध और धन, ये एक विषय है। संबंध और घनिष्ठता, ये एक विषय है। परिवार में ही घनिष्ठता हो ये आवश्यक नहीं। परिवार का दायरा हमारा बड़ा होता रह सकता है। परिवार एक छोटी सी इकाई है, एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। उस प्रयोग को हमें समझ लेना है और अपने दायरों को बढ़ाना है। वही व्यक्ति समृद्ध है, वही व्यक्ति ऐश्वर्य में जीता है, जिसके संबंधों का जो दायरा है वो व्यापक होता चला जाता है। लेकिन शुरुआत तो नज़दीक से ही होती है, शुरुआत दूर से नहीं होती। अक्सर होता क्या है, जो लोग नज़दीक संबंध नहीं निर्मित कर पाते या उनको ठीक से संतुलन नहीं दे पाते, वो दूर के संबंधों में उलझ जाते। कई बार ये आश्चर्य नहीं है कि वही लोग जो अपने निकट के संबंधों में असफल हो चुके होते हैं, वो दूर दूर और दूर चले जाते हैं संबंधों की तलाश में, और यहाँ तक कि ऐसे किसी काल्पनिक ईश्वर परमात्मा उधर भी चले जाते हैं। अब ईश्वर से संबंध, परमात्मा से संबंध, उसका तो सिरा पकड़ में आना नहीं है। आप खेलिए अपना खेल, दूसरी तरफ से तो कुछ आना नहीं है। ऐसे लोग खुदा से संबंध, ईश्वर से संबंध, और ज़्यादा साकार में आ जाएं तो कृष्ण से या इस गुरु से या उस गुरु से जो अब इस शरीर में नहीं है, तो खेल की डोरियां तुम्हारे हाथ में होती है और उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उनसे जीवन में कोई चुनौती नहीं आती, कोई संघर्ष नहीं आता। स्क्रिप्ट तुम्हारी, अभिनय तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही, स्टेज भी, उसमें कोई जीवन में बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो अक्सर ये देखा जा सकता है, जो अपने निकट के संबंधों में असफल लोग हैं, वही दूर समाज, राष्ट्र, ईश्वर इधर भागने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दायरे ऐसे विकसित नहीं होते, विकसित होते हैं। निकट के संबंध ही विकसित होकर हमारे परिवेश में प्रवेश करते हैं, हमारे राष्ट्र में प्रवेश करते हैं, विश्व में प्रवेश करते हैं, और पूरे जगत में वैश्विक हो जाते हैं, जागतिक हो जाते हैं, समष्टिगत हो जाते हैं। तो इसलिए घनिष्ठता जो है उसको हमें बहुत इत्मीनान से, सचेतनता से देखना। दूसरा पहलू रहा जो पूछा है, धन का और संबंधों का रिश्ता बहुत गहरा है, बल्कि युगपत है, साइमल्टेनियस है। जितना गहरा संबंध उतना ही धन का जो सहज प्रवाह है उसके बीच में होगा। कई बार लोग ऐसा कहते, नहीं मुझे प्रेम तो बहुत है लेकिन इसमें धन नहीं हम शामिल करते हैं। धन कहाँ शामिल करते हैं? जैसा कि प्रश्न में लिखा, अपना घर परिवार, अपना इधर उधर जहाँ कहीं उनको उनकी अपनी वासनाएं भी खींचती हैं वहां भी। तो इससे अगर जहां हम धन का समावेश नहीं कर सकते हैं किसी भी संबंध में, तो इसका तात्पर्य है कि वो संबंध हल्का है, हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, अमूल्य होना एक अलग बात है। अमूल्य का अर्थ होता है कि हम मूल्य दे नहीं सकते। हम कितना भी मूल्य देने की कोशिश करें लेकिन मूल्य दे नहीं सकते,
वो हुआ अमूल्य, लेकिन हम धन का निवेश, समावेश, इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितनी मात्रा में हम करते हैं उतना ही संबंध का हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो स्पष्ट होता है। जैसे मैंने पहले भी ये बात कही कि परिवार विकसित क्यों हुए, परिवार विकसित ही हुए व्यक्ति के स्वार्थ, अहम, असुरक्षा, इन सारी भावनाओं के कारण। व्यक्ति को लगा कि जो धन, जो सुरक्षा और जो पदार्थ मैं अर्जित करता हूँ उसका उपभोग मैं करूँ या जो लोग ठीक मुझसे जुड़े हैं वो करें। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सारे लोगों के लिए चीज़ें उपलब्ध हो गईं। अब ये हुआ कि वो जो संपदा है उसको हमारे लोग ही उपभोग करें, इसीलिए ये परिवार, ये वंश, इनका बहुत महत्व हो गया। व्यक्ति को चैन नहीं आता, उसको लगता है कि ऐसा कैसे कि धन हमारा, उपभोग कोई और करे। ये व्यक्ति की क्षुद्रता और स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ मसला है। जितनी बुद्धि सीमित, जितनी उसकी समझ सीमित, उतना ही ये दायरा सीमित होगा, नहीं तो दायरा खुलेगा, बढ़ेगा। धन संसार में बहुत महत्वपूर्ण है, धन को बेमानी नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात कही कि धन भी और ध्यान भी, जीवन में दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। जितना महत्वपूर्ण ध्यान है उतना ही धन भी है। प्रेम में भी वही है, प्रेम अगर तुम्हारा कहीं पर है तो उस प्रेम में तुम धन का कितना प्रवाह पैदा कर सकते हो, इससे ही प्रेम की गहराई भी तय होगी। तुम कहो नहीं नहीं धन से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है, बहुत लेना देना। व्यक्ति के लिए धन कितना महत्वपूर्ण है तुम देखो, जिनके पास नहीं होता है उनके तो महत्व की बात है ही है, और जिनके पास है उनके लिए भी महत्व की बात है। तुम कहाँ, कब, कैसे, कितना धन खर्च करते हो उससे ही उस चीज में तुम्हारे महत्व की बात तय हो जाती है। जैसे अभी कोई शराबी है, उस शराब की महंगी से महंगी कोई ब्रांड हो खरीदने चला जाएगा, क्योंकि उसको उसमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज है। वही व्यक्ति हो सकता है कोई किताब खरीदने जाए और 300, 400, 200 रुपए की किताब भी हो तो उसको लगे बहुत महंगी, इतनी पतली सी किताब, 100 पन्ने की, 300 रुपए की किताब। हो सकता है वो किताब ना खरीदे, क्योंकि उसको वो किताब का उतना मूल्य नहीं है, या किताब में जो लिखा है उसका उतना मूल्य, उसको तो उस शराब का मूल्य ज्यादा है जिसके लिए हजारों रुपये खर्च कर सकता है। हम कहाँ कितने धन का निवेश करेंगे वो हमारे उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, व्यवस्था, उससे हमारे संबंध की गहनता को और हमारे उसके प्रति जो लगाव हैं उनको तय करेगा। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति की सीमाएं आती हैं तो वो ऐसे ही सोचता है। अब धन हम किस किस चीज को मानेंगे वो बात समझें। एक तो सीधा ये जो हमारा धन है डायरेक्ट, वो तो है ही है जो मनी। फिर ये जो हमारा जमीन है, हमारे पदार्थ हैं, वो धन बनते हैं। फिर उसके बाद अगर आए तो ज्ञान भी एक धन है, तो कुछ लोगों को ज्ञान पर भी पकड़ बन जाती है कि ज्ञान भी वो ऐसे मुक्त हस्त से नहीं बांट सकते, उसके लिए भी उत्तराधिकारी आएगा। ये उत्तराधिकारी कहाँ से पैदा हो गया? जैसे पहले आश्रमों, गुरुओं, इन सब में देखिए तो लोग कहेंगे योग्य उत्तराधिकारी जिसको सौंपेंगे। हाँ, हो सकता है, बहुत सारा ज्ञान है जिसके लिए योग्यता चाहिए। भाई किसी लेबोरेटरी में भी काम करना है तो योग्यता तो चाहिए ना, आपको किसी सिस्टम पर बैठना है तो उसके लिए योग्यता चाहिए, बेशक। लेकिन कालांतर में फिर क्या होता है, गुरुओं के अपने बच्चे, उनकी, उनके जो खानदानी लोग हैं वही बन जाते हैं। तो कई बार अध्यात्म में भी देखिए खानदानी व्यवसाय चल रहा है, राजनीति में खानदानी व्यवसाय चल रहा है,
राजनीति क्यों गड्ढे में गई हुई है? आप देखें, योग्यता का मतलब नहीं, हमारा लड़का हमारा लड़की है तो उसको ही हमें उत्तराधिकार में वो गद्दी सौंपनी है, गड्ढे में जाएगी राजनीति, पतन की तरफ जाएगी। वही अध्यात्म में हो जाएगा, वही कहीं भी हो जाएगा। कुल मिलाकर जब व्यक्ति की दृष्टि व्यापक होती है तो वो देखता है कि इसका परिणाम कितना अच्छा होगा। और उस व्यापक दृष्टि में क्या होता है कि वो उसकी गणित भी बिठा पाता है। जैसे मैं एक बार हम अक्सर कहता हूँ एक बात कि जो व्यक्ति बहुत स्वार्थी भी होता है, जो बहुत चालाक भी होता है, प्रतिभा के साथ चालाक, प्रतिभा के साथ स्वार्थी, वो भी कभी गलत काम नहीं करता, वो भी हमेशा दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि वो जानता है, उसने गणित समझ ली है कि सहायता से सहायता लौटती है, गलत करने का परिणाम गलत आता है, अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा, उसकी गणित साफ है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि बड़ा धार्मिक हो गया है, बड़ी करुणा उसके अंदर से बह रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, चालाक है, क्लेवर है। तो सही अर्थों में जो व्यक्ति चालाक है, क्लेवर है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, वो भी अच्छा ही अच्छा करता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जानता है। लेकिन जो इतने भी चालाक नहीं है, इतने भी स्वार्थी नहीं, या थोड़े मंद बुद्धि हैं, वो अपनी पॉकेट्स छोटी करते जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा छोटा सा परिवार, इसी में हम इन्वेस्ट करेंगे, यहीं से रिटर्न आएगा, और वहीं से कभी कभी सारी कलह पैदा हो जाती है। आती है नहीं आती है ये तो वक्त गवाह होता है उन चीज़ों का। लेकिन जो दायरा व्यापक कर लेता है, चाहे अपने स्वार्थ और अपनी चालाकी में ही करे, उसका जो लाभ का दायरा है वो भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए भी जैसे जैसे समाज विकसित होता है, जैसे जैसे लोगों की बुद्धि विकसित होती है, वैसे परिवार के दायरे बड़े होते हैं। एक इकाई की तरह एक परिवार रह जाते हैं, लेकिन दायरे बढ़ते जाते हैं, और धन का भी सदुपयोग व्यक्ति सीख लेता है, जिससे उसके जीवन में धीरे धीरे वो कल्याण प्रवेश करता है।